हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, जल्दी फटाफट आ जाएं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्विक, जल्दी से स्टूडेंट्स, 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं ज़रा देख लूँ कि यहाँ किस तरह से आ रहा है, कमेंट्स आपके मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, अभी 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जरा मेरी स्क्रीन पर आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बस। हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स कम ऑन, जल्दी से ज्वाइन करें। भाई बड़ा दिक्कत है। KVSRO हेलो स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स बस अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट में, बस 1 मिनट और, 1 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, केवल 1 मिनट और बस। अरे यहाँ देखो अब है नहीं मानस, स्टूडेंट्स बस अब मेरे पास आ गया है, मैं आपके सारे व्यूज को देख पा रहा हूँ और बस अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 124 स्टूडेंट्स लाइव हैं, 124 स्टूडेंट्स, बस स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ स्टूडेंट्स, चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस सेकंड लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में। सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाएं, क्लास 12th को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने दिया था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अब मैं देख पा रहा हूँ आपके सारे कमेंट्स और 128 स्टूडेंट्स आ गए हैं इस समय।
गीतेश, मंजू, रिया, प्रिंस। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है हमारा और अब क्लास को चलिए स्टूडेंट्स रिलेशन, तो रिलेशन था क्या हमारा, हमने 1.1 रिलेशन फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लास 11th में हमने सेट रिलेशन पढ़ा था, वो सेट ए से सेट बी में दे रखा था, सेट ए से सेट बी में था। तो रिलेशन था क्या, रिलेशन होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है, एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन 12th में क्या हो गया, 12th में पहला वाला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट भी ए है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया। तो ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। और इसके रिलेशंस के हमने टाइप भी देखे थे, पहला टॉपिक हमारा ये था, डोमेन रेंज की बात की थी हमने पिछली बार, और इसके टाइप्स भी देखे थे। उन्हीं टाइप्स पर हमारा 4 मार्च का क्वेश्चन आता है, आज हम उसी को देखेंगे। देखें स्टूडेंट्स 1.2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखा था हमने एम्प्टी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें ए सेट्स का कोई भी एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, एक भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ना हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो तो एम्प्टी रिलेशन, और ए के सारे एलिमेंट्स अगर सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो तो यूनिवर्सल, दूसरा टाइप था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा टाइप क्या था स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम इसी की बात करेंगे स्टूडेंट, यहां से 4 मार्च का क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक बार इन्हीं चीजों को, तीनों चीजों को एक बार रिवाइज कर लें कि सपोज अगर आपके पास में अगर एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और यहां मैं एक रिलेशन तैयार कर रहा हूं R1, रिलेशन यहां पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह से एक रिलेशन तैयार किया है हमने यहां पर ये, और देखें जरा यहां पर ये रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये रिलेशन मैंने यहां पर लिखा है, ए सेट्स पर डिफाइन किया गया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है। ये हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल के हिसाब से आपको बताना है, आंसर देने हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन सा है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। सर इक्विवेलेंस रिलेशन लग रहा है, बहुत बढ़िया, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात अभी हमने नहीं की है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो, अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इक्विवेलेंस है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन हम यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल आगे हम बोलेंगे, अगर तीनों टिक होंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखें जरा ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर अगर ए सेट्स में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो उनका रिलेशन खुद का खुद से हो, वहां पर अगर 1, 1, 2, 3 है तो 1, 1 हो, 2, 2 हो और 3, 3 हो, जो यहां पर है 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखें स्टूडेंट यहां पर समझें, सिमेट्रिक में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि 1, 2 यहां पर नहीं है और 2, 1 भी नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, जब हम 1, 2 की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं। अगर हम 1 A और B दोनों को सेम ले लें तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये ए है और ये बी है, इस ए बी का उल्टा बी ए भी आपको यहां मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि 1, 2, अगर आप ऐसे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स 1, 2 और फिर उसका उल्टा 2, 1, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक की बात हमारी कब आई थी, सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक आपका तब होता है जब ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर हो, और इससे पहले क्या लिखा है, इफ ए बी, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ए और बी डिफरेंट ही लेने हैं तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर बी ए नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते,
क्योंकि यहां ए बी भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ए और बी हमको डिफरेंट लेने हैं तो बी ए भी नहीं है, तो हम कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से क्या है ये सिमेट्रिक है। और अगर ए और बी को हम सेम ले लें, ए आपका वन है और बी भी वन है, तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ए भी आपको यहीं दिखाई दे रहा है, बी ए भी आपको यहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो ये कैसा है सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव, ट्रांसटिव भी है। अरे ए बी ट्रांसटिव की कंडीशन क्या थी, ध्यान से देखें, ट्रांसटिव केवल एक केस में नहीं था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर भी आपको दिखाई दे रहा है और ए सी बिलोंग्स टू आर ना दिखाई दे, सपोज अगर वन का टू से रिलेशन है और टू का थ्री से रिलेशन है और वन और थ्री में कोई रिलेशन ना दिखाई दे, तब उस सिंगल एक केस में बोलेंगे कि ट्रांसटिव नहीं है, अदरवाइज ऑल केसेस में बोलेंगे ट्रांसटिव। ऑल केसेस का मतलब क्या होता है, जब हमें पहली कंडीशन जो दे रखी है वही फुलफिल ना हो रही हो तो हम क्यों चेक करेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर को। स्टूडेंट इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वन टू थ्री हमें डिफरेंट लेने हैं, ए बी सी डिफरेंट लेने हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वन कॉमा टू नहीं है और टू कॉमा थ्री भी नहीं है और वन कॉमा थ्री भी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये ट्रांसटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रांसटिव एक केस में नहीं है। अगर ए बी यहां पर होता और बी सी भी होता और ए सी नहीं होता तो ट्रांसटिव नहीं होता। यहां पर हमारा क्या है, अरे ये ए है ये बी है और यही बी है यही सी है, ए बी वन है बी भी वन है और बी भी वन है सी भी वन है और ए और सी ये भी यही है, हम ए बी सी को इक्वल सोच के देखें तो कंडीशन हमारी पूरी फुलफिल होती है यहां पर, और ये क्या है ये ट्रांसटिव भी है। ट्रांसटिव है तो कैसा है, इक्वलेंस रिलेशन है। अब जरा देखें यहां पर एक और रिलेशन लेते हैं आर टू, आर टू के अंदर कर देते हैं अगर ये वन वन टू टू और केवल इतना ही है, अगर वन वन टू टू है केवल ये दे रखा है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या बताया गया था, रिफ्लेक्सिव में था कि इसके अंदर ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो वन वन है टू टू है लेकिन थ्री थ्री नहीं है, ए ए बिलोंग्स टू आर और उसके आगे लिखा था फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो ए ए बिलोंग्स टू आर वाली बात है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारा है फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए सेट्स के अंदर जितने मेंबर दे रखे हैं वन टू थ्री थ्री तीन मेंबर हैं, तो तीनों के ऑर्डर्ड पेयर यहां होने चाहिए, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की कंडीशन कहीं से वॉलेट नहीं होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इज इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा है यहां पर और ये ट्रांसटिव भी है। अब देखिए जरा और भी आर थ्री, आर थ्री अगर हमने ले लिया ये वन टू और टू थ्री, वन टू टू थ्री, अब देखें कैसा ये वन वन नहीं है टू टू नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है, वन टू है और टू वन नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है, वन टू है टू थ्री है और फर्स्ट और लास्ट वन और थ्री वो भी नहीं है, तो ये ट्रांसटिव भी नहीं है, ये हमारा ट्रांसटिव भी नहीं है। लेकिन आर फोर देखें जरा, वन टू है थ्री फोर है बस इतना दे रखा है ये, तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि वन वन नहीं है टू टू नहीं है थ्री थ्री नहीं है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है, वन टू है इसका उल्टा नहीं दिखाई दे रहा हमको यहां पर लेकिन ट्रांसटिव है। स्टूडेंट देखें यहां पर ये ट्रांसटिव है, यहां बड़ा आपको सरप्राइज लग रहा होगा कि ये ट्रांसटिव है, वन टू है और उसके बाद में थ्री फोर दे रखा है बस इतना दे रखा है, दो ट्रांसटिव कब नहीं होता, जब हमें क्या दे रखा हो ए का बी से रिलेशन दे रखा हो और बी का सी से दे रखा हो, ये दो कंडीशन पहले दे रखी हो उसके बाद हमें चेक करना है क्या ए कॉमा सी वहां पर है, अगर नहीं है तो ट्रांसटिव नहीं है, है तो ट्रांसटिव है। लेकिन अगर पहली जो कंडीशन दे रखी थी हमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये पहली कंडीशन है, ये पहले होगी उसके बाद हम आगे जाएंगे ए कॉमा सी चेक करने के लिए, तो यहां पर देखें वन का टू से रिलेशन है लेकिन टू का थ्री टू का आगे किससे रिलेशन है ये पता ही नहीं है हमें, सेकंड कंडीशन मिसिंग है तो हम क्यों चेक करेंगे कि वन का थर्ड किससे रिलेशन होगा या नहीं होगा, हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको ट्रांसटिव है। स्टूडेंट यहां ध्यान से समझिएगा, ट्रांसटिव केवल एक केस में नहीं होता है, जब आपको वन कॉमा टू दिखाई दे टू कॉमा थ्री दिखाई दे और वन कॉमा थ्री ना दिखाई दे, उस केस में ट्रांसटिव नहीं है, अदरवाइज ट्रांसटिव है। आर फाइव देखें स्टूडेंट कितने जज कर पाते हैं, ये वन वन टू टू थ्री थ्री, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ने बताई दिया ये वन टू टू वन और वन वन ये दिया हुआ है। अब देखें स्टूडेंट्स इसका आंसर दें जरा, ये कैसा है रिफ्लेक्सिव है नहीं है, स्टूडेंट्स मुझे आपसे आंसर चाहिए, मैं कमेंट्स आपके देख पा रहा हूं, ये देखिए रिफ्लेक्सिव आपके कमेंट्स मेरे सामने हैं,
स्टूडेंट्स आर फाइव के बारे में बताइए, आर फाइव एक रिलेशन है, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इन तीनों में से कौन सा है? तान्या रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड, तान्या ने बताया रिफ्लेक्सिव, नेहा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव साफ दिखाई दे रहा है, और स्टूडेंट्स हाँ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का हमें समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव से आगे भी तो बढ़ो, अरे रिफ्लेक्सिव की बात में ये रहा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है स्टूडेंट। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक है या नहीं, ये देखिए जरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमारा ये 1-2 है और इसका रिवर्स 2-1 है, 1-2 है और इसका रिवर्स 2-1 है, तो कैसा है ये, सिमेट्रिक भी है। सभी लोग बता रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, लगता है कि आपके पास में थोड़ा लेट से पहुंच रहा है ये फीड, फेसबुक लाइव का फीड आपके पास में थोड़ा लेट से पहुंच रहा है, अभी सभी रिफ्लेक्सिव पर पड़े, रिफ्लेक्सिव हमने बोल दिया है स्टूडेंट। सिमेट्रिक 1-2, 2-1, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से है, तो यहां क्या हो गया आपका, ये a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इज इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ऐसा यहां पर है, किसके लिए दिखाई दे रहा है ये, 1-2 के लिए है और उसका रिवर्स भी यहां पर है, और इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इन सबके रिवर्स हैं। अब यहां देखिए 1-1, 1-1 तो यही था, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इस 1-1 को, तो यहां पर दोबारा से इतना दिया हुआ है बस ये। अब देखिए जरा, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, स्टूडेंट ने ज्योति ने बोला ट्रांसटिव भी है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है स्टूडेंट, तीनों है, तीनों कैसे देखें, तीनों है स्टूडेंट, तीनों हैं, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, और हम ट्रांसटिव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का सेकंड से है और सेकंड का थर्ड से है, फर्स्ट और थर्ड 1-2, 1-1, फर्स्ट और लास्ट हमारे 1-1 यहां दिखाई दे रहा है। अगर इसको इधर से देखना शुरू करें कि 2 का 1 से रिलेशन है, 2-1 पे आगे खत्म होता है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला हमारा ये है 1-2 है, तो क्या हुआ आपका 2-2 भी यहां दिखाई दे रहा है, तो कैसा है ये आपका ट्रांसटिव भी है, और अगर ट्रांसटिव है तो कैसा है फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट। अब इसी पे हम करते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन कि हमें प्रूफ करने को आएगा कि शो करके दिखाइए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं है। आप पहले क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर वन करते हैं पहले। देखें स्टूडेंट आप अपनी बुक को खोल लें जरा, और स्टूडेंट देखो अब इसके साथ साथ ये है ना, ये वाला आपको लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा, इसके साथ साथ मैंने दूसरे लेक्चर ऑफलाइन मोड में भी तैयार कर लिया है, वो कंप्लीट लेक्चर है, और इस चैनल पर आपका दिल्ली KVSRO दिल्ली लाइव पर यूट्यूब चैनल पर भी वो मिलेगा, और उसके साथ साथ मिलेगा आपको एक गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको आपको करना है, उसके आंसर देने हैं और उसको भेज देना है, वहाँ मेल भी होगा, उस मेल पर भेज देना है, मैं उसको चेक करके वापस आपको आंसर भेज दूंगा, और हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में उन क्वेश्चंस के आंसर भी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके आपको आंसर देना है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे ही ये वीडियो हमारा डाउनलोड अपलोड होता है, जैसे ही ये वीडियो हमारा अपलोड होता है आपके यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप देख रहे हैं, जिसके फेसबुक लाइव पर आप देख रहे हैं, इस पर और अजय मैथ्स क्लिनिक, दोनों पर अजय मैथ्स क्लिनिक और KVSRO दिल्ली लाइव, इन दोनों चैनलों पर आपको ये वीडियो अपलोड होगा, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड जो हम चला ये भी, दोनों फीड आपको मिलेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चनर मिलेगा, गूगल फॉर्म की फॉर्म में मिलेगा, जिस आप उसको आंसर देंगे तुरंत मेरे पास आ जाएगा, वो तुरंत मेरी मेल पर आ जाएगा, और उसको मैं चेक करके उसके आंसर, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसको हम अगली क्लास में लेंगे। स्टूडेंट देखें आप अपनी बुक को खोल लें, बुक को खोल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें जरा, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट बोर्ड मेरा बहुत खराब है, ये साफ होना बड़ा मुश्किल होता है इसको, और इस समय लॉकडाउन में ये मैं इसको चेंज भी नहीं कर पा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बुक निकाल लीजिए सभी लोग। बुक किधर गई भाई,
स्टूडेंट निकाल लिया आपने क्वेश्चन नंबर वन, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर वन को। अरे बुक किधर फेंक गई, देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके, ये हमने क्वेश्चन बना रहे हैं एनसीईआरटी वाले, क्वेश्चन करने आपके बड़े आसान हैं, आपने कर भी लिए होंगे पिछले क्लास में लिया था उसके हिसाब से। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम, ये इससे एक सेट दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और एक आर एक रिलेशन दे रखा है आपको ये, जिसके अंदर आता है 0, 0, 0, 1 1, 0, 1, 1, 2, 2 ध्यान से देखें स्टूडेंट्स 3, 0 एंड 3, 3 इसमें देखिए ये एग्जाम्पलर का है, ये एग्जाम्पलर का आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये ए सेट दे रखा है और आपको बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। एक बार फिर से जरा रिफाइन कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन खुद का खुद से है तो रिफ्लेक्सिव है, और सिमेट्रिक कब होता है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है एक का रिलेशन बी से है और वही रिलेशन बी का ए से है तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर एक का रिलेशन बी दूसरे से है और दूसरे का रिलेशन वही रिलेशन दूसरे का पहले से है, जैसे कि भाई होने का रिलेशन, अगर राम मोहन का भाई है तो मोहन राम का भाई होगा, तो ये भाई होने का रिलेशन सिमेट्रिक है। और ट्रांसिटिव क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो हमें चेक करना होता है क्या ए का रिलेशन सी से है, अगर ए का रिलेशन सी से है तो वो ट्रांसिटिव है। अब आपको देख के बताना है, ए सेट आपका ये देखा है जिसके अंदर 4 मेंबर्स है 0, 1, 2, 3 और आपको देखा है तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को क्या देखना होता है हमें खुद का खुद से, तो यहां पर क्या है 0, 1, 2, 3 ये चार ऑर्डर्ड पेयर यहां होने चाहिए 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 देखिए 0, 0 है 0, 0 है 1, 1 है 2, 2 है एंड 3, 3 इसका मतलब क्या है R इज रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स R कैसा है, R आपका रिफ्लेक्सिव है, क्यों है R रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 कैसे लिखेंगे इसको, AA belongs to R ये यहां पर है, और ये बात सभी फॉर एवरी, फॉर ऑल भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर एवरी A belongs to कैपिटल A। अब देखें सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, अगर ए का बी से रिलेशन है तो हमें चेक करना होता है क्या बी का भी ए से रिलेशन वही है, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, 0, 0 इसका उल्टा यहीं पर है। अच्छा इसमें ध्यान देखो मैंने क्या बोला, 0, 0 ए कॉमा बी और बी कॉमा ए यही है, ये 0, 1 यहां दे रखा है, इसका रिवर्स कीजिए 1, 0, 1, 0 है, ये रहा 1, 0 इसका रिवर्स यहां मिल गया, सिमेट्रिक अभी तक लग रहा है ये, 0, 3 तो 3, 0, 3, 0 है, 3, 0 भी है, सिमेट्रिक है, ये हमारा हो ही गया, इसका उल्टा यहाँ पर है, 1, 1 का उल्टा यही है, 2, 2 का उल्टा यही है, 3, 0 का उल्टा आपका 0, 3 दे रखा है और 3, 3 का ये, तो ये क्या है सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक। आप देख रहे हैं जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं सिमेट्रिक में क्या दिखाते हैं, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो हमें चेक करना है क्या B कॉमा A उसका रिवर्स ऑर्डर भी यहाँ पर है, यहीं पर है, इसका रिवर्स यही है, इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स यहां पर है, इसका रिवर्स यही है, इसका रिवर्स यही है, इसका रिवर्स यही है, तो सभी के रिवर्स यहां पर हैं, सभी के रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर यहां पर हैं, तो क्या है R इज सिमेट्रिक। और कैसे लिखेंगे, सेम A A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दिस इज इंप्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R, और ये बात किसके लिए, यहां पर है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू सेट A। अब देखें R ट्रांसिटिव है नहीं है, ट्रांसिटिव की बात देखिए 0, 0, 0, 1 यहां से स्टार्ट किया, ये ए ये बी फिर ये बी ये सी और ए सी, ए और सी आपका हुआ 0, 1, 0, 1 आपका यही है, यहां बात बनती है 0, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है 0, 0 ये है 0, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 0, 0, 0 है 3, 3, 3 और 0, 3 यही है 1, 0, 0 से स्टार्ट वाला 0, 1, 1, 1 भी है यहां पर 2, 2, 3, 3 अरे तो सारा है। स्टूडेंट्स देखें यहां पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव देखिए, ट्रांसिटिव में कहां से कंट्राडिक्ट कर रहा है, कहीं से कोई ऐसा केस मिले जहां से पता लगे कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है,
इक्विलेंस है, सभी ने जब बहुत जल्दी से आंसर दे दिया, इक्विलेंस है। इक्विलेंस तब होगा जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव हो। दो हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरा ट्रांसटिव देखिएगा, ट्रांसटिव में कहीं गड़बड़ हो रही हो। टू टू से स्टार्ट हुआ, टू से स्टार्ट होने वाला, देखिए वन वन और वन जीरो, वन जीरो है, वन 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 जीरो वन, वन जीरो 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 वन वन, और ये थ्री जीरो और जीरो वन। थ्री वन कहाँ है? ओ ये यहाँ देखिए जरा, थ्री जीरो स्टूडेंट मिल गया हमको, इसको देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये थ्री जीरो एंड थ्री जीरो एंड जीरो वन, थ्री जीरो एंड जीरो वन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये सेकंड ऑर्डर पेयर। अब थर्ड ऑर्डर पेयर कौन सा बनेगा? इसका आपको क्या लेना है? थ्री, और इसका लेना है आपको वन। और थ्री कॉमा वन आपको कहीं दिखाई दे रहा है? थ्री कॉमा वन यहाँ कहीं भी नहीं है स्टूडेंट्स, थ्री कॉमा वन कहीं नहीं है स्टूडेंट्स। इक्विलेंस लेसन नहीं है, गलत ट्रांसटिव नहीं है स्टूडेंट, ये ट्रांसटिव नहीं है, आपके आंसर गलत आ रहे हैं। आप बहुत जल्दी सोच के देखिएगा, इसको पूरा इसको पढ़िएगा और फिर समझ के तब देखिएगा। सारे इसमें सारे के सारे ऑप्शन जितने दे रखे हैं सारे हमें एक्सप्लोर करने हैं, तब जाके आंसर देना है। हमको मिल गया है थ्री जीरो एंड जीरो वन, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये थ्री कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। जितने ऑर्डर पेयर है सबके लिए हमें चेक करना है, ये क्या चेक करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इज इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ट्रांसटिव है, नहीं मिलता तो ट्रांसटिव नहीं है। यहां पर नहीं मिल रहा हमें ये ए ये बी, एंड जीरो कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, और दिस इज इंप्लाइज हम देख रहे हैं बट थ्री और वन, थ्री कॉमा वन आपको यहां से लेकर यहां तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या है? ट्रांसटिव नहीं है। और ट्रांसटिव अगर नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। लगा है आपकी साइड से सर ये ट्रांसटिव नहीं है, वेरी गुड। ताने ने अब जाके बोला ट्रांसटिव नहीं है, बिल्कुल सही। सोनम ने बोला ट्रांसटिव नहीं है, अब आपकी समझ में आ रहा है ट्रांसटिव नहीं है स्टूडेंट। अब हम फटाफट हम समझ गए, हमने बहुत टाइम पे दे दिया है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब हम सारा टाइम देंगे जो 4 मार्क्स हमें देगा, 6 मार्क्स जो हमें क्वेश्चन देगा उसको करते हैं। आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं उन क्वेश्चन को करते हैं जो 6 मार्क्स में दे रखे हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में पूछा जाता है। कैसे दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, और ए और बी क्या है आपके, ये ए बी आपके इंटीजर्स हैं, ए और भी क्या है इंटीजर्स हैं। अब हमको बताना है ये एग्जांपल नंबर 5 है, इंटीजर्स के सेट्स पर डिफाइन किया गया ये रिलेशन आर, जिसके अंदर क्या आते हैं ऑर्डर पेयर, रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही आते हैं ए और बी के बीच में रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये? रिलेशन आपका ये है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। इसको बार बार चेंज करके भी आता है क्वेश्चन, यही बार बार पूछा जाता है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, या फिर a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, इस तरह क्वेश्चन बनता है आपका ये, या a माइनस बी डिवाइड्स 5। आपकी बुक में देखा है कि a माइनस बी डिवाइड्स 5। हाँ पुराना वाला क्वेश्चन हो गया रिया, अब अगले क्वेश्चन पर, अगले एग्जाम्पल पर आ जाए। अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 5, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, दोनों सेम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये आपका ये। अब देखिए कैसे करेंगे, हमको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस होगा इसका मतलब हमें बताना है, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव है, हमें केवल दिखाना है। दिखाने का तरीका सही होना चाहिए, बच्चे यहाँ पर रटके जाते हैं, समझ में आता नहीं, सब रटके जाते हैं, पेपर में तो आएगा यही। अब देखिए कैसे करेंगे, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हम दिखाने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में कैसे करते हैं आप, ये अब बी के प्लेस पर ए रख दें तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सेंस ए माइनस बी के प्लेस पर ए रख जाए, और देखें जरा इसी स्टेटमेंट में रख दिया हमने बी के प्लेस पर ए, तो a माइनस ए क्या आ गया 0, और 0 क्या है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज डिवाइड 5, 0 इज डिविजिबल बाई 5, जो कुछ भी दे रखा हो सब आप लिख देंगे। 0 क्या है, 0 सभी नंबर का मल्टीपल है और 0 डिवाइड हो जाता है हर नंबर से, 0 इज डिविजिबल बाई
फाइव, ये तो ट्रू बात है। अब तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई फाइव का मतलब क्या होगा कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू इंटीजर, a बिलोंग्स टू इंटीजर, सो r इज रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट इसको समझिए, हमारा काम हो गया, यहां तक लिखेंगे तो आपको वन मार्क्स मिल जाएगा। इसको देखिए कैसे किया गया है, हम करते क्या है इसमें, ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, मैं बताना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो बहुत सिंपल सा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब हमें दिखाना होता है a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a बिलोंग्स टू r कब आएगा, जब a माइनस a इज डिविजिबल बाई 5 हो, a माइनस a, b के प्लेस पर क्या हो जाए, a हो जाए, तो हम खुद रख देते हैं, b के प्लेस पर a रख दें और चेक करके देखते हैं क्या ये डिविजिबल रहता है 5 से, सिंस b के प्लेस पर a रख दिया तो a माइनस a इज इक्वल टू 0 और इज डिविजिबल बाई 5, 0 तो डिविजिबल होता है 5 से, अगर मल्टीपल पूछते तब भी लिखना होता है हमें, ऐसे दिखाना होता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। स्टूडेंट यहाँ बहुत एक हवा बनाया हुआ है कि रिलेशन फंक्शन बहुत मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, पेपर में नंबर लेना सबसे आसान होता है, और टॉपिक आप करेंगे तो वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और यहाँ मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, और आप बड़े आराम से 4 से 6 मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, हमने क्या किया बी के प्लेस पर ए रख दिया तो ए माइनस ए क्या होता है, ए से ए कैंसिल हो गया आपका, 0 आ गया, और 0 क्या है विच इज डिविजिबल बाई 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, अगर जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है उनका ऑर्डर्ड पेयर r के अंदर आता है, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a r इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए जरा सेकंड, सिमेट्रिक में क्या दिखाना होता है हमें, इफ a कॉमा b, अगर गलती से a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो हमें उसका रिवर्स दिखाना होता है कि b कॉमा a भी वहां पर है, उस r के अंदर b कॉमा a भी है, तो आप देखिए यहां पर a माइनस b, अगर आप कुछ भी लेना है कोई एग्जांपल लेकर सोचें यहां पर कि a माइनस b डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या हुआ, ये आपने ले लिया कितना 1 और ये ले लिया 6, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6, तो 1 माइनस 6 कितना आएगा माइनस 5, माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू r, और अगर इसको उल्टा करें 6 कॉमा 1 तो वो भी क्या है 6 माइनस 1 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो 1 6 भी यहां पर है, 6 1 भी यहां पर है, और बात करें तो 2 7 भी यहां पर है और 7 2 भी यहां पर है, क्योंकि 2 माइनस 7 क्या आता है माइनस 5 इज डिविजिबल। अब देखें 2 7 की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल अगर 2 7 की जगह हम क्या ले लें 2 12 ले लें, 2 कॉमा 12 भी यहां पर है और 12 कॉमा 2 भी यहां पर है, क्योंकि 2 माइनस 12 कितना आएगा माइनस 10 इज डिविजिबल बाई 5, ऐसे ही 12 माइनस 2 10 इज डिविजिबल बाई 5, तो अगर a कॉमा b यहां पर है तो b कॉमा a भी यहां होगा, क्योंकि अगर a माइनस b 5 से डिविजिबल है तो b माइनस c इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ये होगा ही होगा। तो इसको कैसे दिखाते हैं, देखो लेट a कॉमा b, इसमें कोई जो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझना है, लिखना नहीं है, एग्जाम्पल लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी। स्टूडेंट आपने एग्जाम्पल लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है, ये एग्जाम्पल से आपको खुद फील करना है, समझना है इसको, लेकिन लिखना तो ये ऐसे है, नो के केस में एग्जाम्पल देना होता है, जब हम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हमें पता लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो केवल एक एग्जाम्पल देना है, और अगर वो है हमें दिखाई दे रहा है हर ए और बी की सभी वैल्यूज के लिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, क्योंकि इक्वलेंस है तो हो गई, तो हमें कोई एग्जाम्पल नहीं देना, इसको कैसे इस फॉर्म में दिखाना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इंप्लाइज कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर यहां से माइनस कॉमन ले जाएं, माइनस कॉमन ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, और हम देखें कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका नेगेटिव भी 5 से डिविजिबल होगा, अगर x 5 से डिविजिबल है तो माइनस x भी 5 से डिविजिबल होगा, ये जो भी क्वांटिटी आएगी a माइनस बी अगर हमारा डिविजिबल है तो उसका नेगेटिव भी डिविजिबल होगा, तो b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, और अगर ये डिविजिबल है 5 से तो क्या होगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू i, तो क्या हो गया आपका r सिमेट्रिक होगा। ये प्रियांश मीना आपको अपना के भी नहीं बताना है,
नहीं बताना है, ना आपको पर्सनल चैट करना है, ना अपना के भी बताना है। स्टूडेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बोला जा रहा है, ये सारा डाटा पूरा दुनिया देख रहा है और इसको एक्सेस करते हैं यहाँ से, ये आपको दुखी करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपकी सिक्योरिटी आपकी प्राइवेसी खतरे में आएगी अगर आप इस तरह से अपना नाम और इसका के भी ये इस तरह का लिख रहे हैं इसमें। तो कोई भी स्टूडेंट, मैंने परसों भी आपको बोला था, उमेश, कोई स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेगा यहां पर, ना अपनी क्लास, ना ही आप अपना स्कूल का लिखेंगे यहां पर। अब देखिए ये हुआ, अब हमारा बचता है क्या, ट्रांसक्रिप्ट। अगर ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है तो प्रूफ हो जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा आप ट्रांसक्रिप्ट कैसे दिखाएंगे, देखिए ट्रांसक्रिप्ट तीसरा पार्ट इसका, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में क्या करते हैं, दो चीजें मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर है, ये तीसरा वाला ए फर्स्ट और थर्ड को, ए कॉमा सी को चेक करना होता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आता है नहीं आता, अगर आता है तो ट्रांसक्रिप्ट है, नहीं आता है तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो एज्यूम कर लीजिए आप ये, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया कि ये ए और बी का रिलेशन है, यही रिलेशन है ए और बी के बीच में कि ए माइनस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, एंड अगर ए माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो ध्यान से देखो ए माइनस बी होगा कैसा, ए माइनस बी किस टाइप का होगा, अरे 5 से डिविजिबल है ए माइनस बी तो 5 का एक मल्टीपल होगा, ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, 5 से डिविजिबल है तो 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, 5 का एक मल्टीपल होगा 5m1, ए माइनस बी इक्वल टू 5m1। एंड दूसरा क्या दिखाता आपको ये कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या, अगर b माइनस बी 5 से डिविजिबल तो b माइनस सी कैसा होगा, ये भी 5 का मल्टीपल होगा, ये 5 10 15 इस टाइप का होगा, b माइनस सी इक्वल टू 5m2 नंबर 2। और हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आ जाए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r कब मान लिया जाएगा इसके अंदर, r के अंदर कब होगा, जब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5 हम बता पाए, हम दिखा पाए यहां पर। अब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5 कैसे आएगा, तनुदीप सिंह समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए स्टूडेंट, यहां देखें ट्रांसक्रिप्ट में क्या दिखाना होता है, ट्रांसक्रिप्ट के अंदर हमें बताना होता है कि अगर a का b से रिलेशन है और b का c से है, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है और सेकंड का थर्ड से रिलेशन है, तो हमें दिखाना ये होता है कि क्या फर्स्ट का थर्ड से वही रिलेशन है, अगर है तो वो ट्रांसक्रिप्ट है। तो हमने मान लिया, ध्यान दें यहाँ पर, एज्यूम किया है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये कब होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर कब आता है, जब ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 हो, ये मान लिया हमने आर के अंदर है, तो कब होगा ये, जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 होगा, अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, थोड़ा सा रीजनिंग है इसके अंदर, कैलकुलेशन नहीं चलती, 2+2 4 नहीं होता यहाँ पर, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 अगर है तो a माइनस बी होगा कैसा, अरे वो 5 होगा 10 होगा तभी तो 5 से कैंसिल होगा, तो a माइनस बी कैसा होगा, 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा 25 होगा, हमने क्या लिखा है 5m1। सेम कहानी b माइनस सी के लिए, b माइनस सी भी अगर 5 से डिविजिबल है तो कैसा होगा, 5 का एक मल्टीपल होगा 5m2। और हमें निकालना क्या है कि a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल आ जाए, तो a माइनस सी 5 से डिविजिबल कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर जाइए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को ऐड करके कितना है ये 5m1 प्लस 5m2, b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इक्वल टू 5m1 प्लस m2, यहां m1 m2 क्या है, ये m1 m2 belongs to any integers, ये कोई इंटीजर्स है m1 m2, और दो इंटीजर्स का सम क्या होगा, m1 प्लस m2 अगेन एक इंटीजर बन जाएगा, ये कोई इंटीजर है ये दूसरा इंटीजर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक इंटीजर, तो क्या आ गया a माइनस सी भी क्या आ गया 5 का एक मल्टीपल, तो इसको कैसे लिखेंगे कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। इस बात को समझिए, अगर यहां पर मल्टीपल लिखा होता
अगर ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5 लिखा होता है, जैसा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, आपकी बुक में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, तब भी आपको ये लिखना है, बट डिविजुअल की जगह मल्टीपल लिखते चले जाते हैं। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, हमारा क्या था, इंटीजर, इंटीजर। तो ये हम लेके चले थे, ये दोनों लेके चले थे, ये दोनों, और निकल के आ गया आपका ये निकल के आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है, ट्रांजिटिव है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विलेंसलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ट्रांजिटिव वाला जो दिक्कत आता है, एक बार फिर से देखें, तान्या चौधरी, तान्या दोबारा फिर से देखो, चलो फिर से देखते हैं, एक अगले एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट करने से अच्छा है कि हम इस तरह का दूसरा क्वेश्चन कर लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का दिया हुआ है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देख के बताएं जरा क्या है वहां पर, कि a माइनस बी मॉडुलस दिया हुआ है वहां पर, मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है, 3 है, क्या दिया हुआ है, मेरे पास बुक नहीं है, आप देखें कमेंट्स करके बताएं क्या है वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में, आपकी बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। इतना मुझे पता है कि वहां पर है मॉड दिया हुआ है, कि मॉड a माइनस बी, मॉड a माइनस बी इज इवन, ये दे रखा है, ठीक है तान्या। देखें क्वेश्चन नंबर आपका शायद 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 मॉड a माइनस बी इज क्या दे रखा है वहां पर, इवन है, क्या है, इवन। थैंक यू आद्या, थैंक यू आद्या, मेरे पास आज बुक नहीं है, बुक मिल नहीं रही, यहीं रखी हुई थी, मिल नहीं रही है। मॉड a माइनस बी इज इवन, और a और b दे रखे हैं, a और b शायद कुछ सेट दे रखा है वहां होगा, जो भी सेट दे रखा है आप उसको देख लीजिएगा, जो भी सेट है यहां पर उसको देख लीजिएगा, a और b कैसे दे रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन चेंज करके ऐसे आएगा, लेकिन करना आपको वही है जो आपने अभी तक किया है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। एक यही क्वेश्चन है इस यहाँ पूछा जाने वाला, और वैरायटी नहीं है। हम लिखने का तरीका एक बार समझ जाए तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, चाहे क्वेश्चन बदल के आ जाए, मल्टीपल आ जाए, इवन लिखा आ जाए, या डिविजिबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, या ए माइनस बी डिवाइड्स 5 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 6 ऐसे कुछ भी लिख के आ जाए, लिखना आपको यही है। कैसे लिखेंगे देखो जरा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं आप, बी के प्लेस पर ए रख देते हैं, तो यहां देखें जरा, बी के प्लेस पर ए रख जाए, सिंस मॉड ए माइनस ए, मॉड बी के प्लेस पर ए रख रहे हैं, बी के प्लेस पर ए, मॉड ए माइनस ए इसका टू क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या होता है, जीरो क्या है, विच इज इवन, विच इज इवन, तो ए माइनस ए क्या आ गया, जीरो, और जीरो क्या है आपका, इवन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस ए इज इवन। यहां लिखा है मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन का मतलब क्या होता है, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिनका मॉड ए माइनस बी इवन होता है। कौन कौन सा, एग्जाम्पल लेके देखें, आर के अंदर क्या आएगा यहां पर, ये आर के अंदर आएगा आपका 1.5, 1.5 यहां पर है, क्यों, क्योंकि मॉड 1-5, मॉड 1-5 कितना आएगा आपका, मॉड 1-5 -4 और ये आ गया 4, विच इज इवन, विच इज इवन, ये आपका इवन है, तो 1.5 यहां पर होगा। अब सोचो 1.5 अगर यहां पर है तो 5.1 भी होगा, तो सिमेट्रिक भी है, और 1.1 तो यहां होगा ही होगा, क्योंकि 1-1 क्या जाएगा, 0, 2-2 भी 0, तो 2.2 भी है, 3.3 भी है, 4.4 भी है, क्योंकि 4-4 0, और 0 विच इज 0 क्या होता है, इवन, 0 इवन की कैटेगरी में डाला गया है। उसके पीछे लॉजिक है कि जो हमारा गैप दे रखा है इवन नंबर्स के बीच में 2, 4, 6, और उसी गैप को और ऑड के बीच में गैप दे रखा है, उस गैप को पूरा करता है, इसलिए 0 को इवन लिया गया है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, देख लेना सेट a क्या दिया हुआ है, तो क्या हो गया आपका, ये r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखें जरा,
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को देखें जरा। सिमेट्रिक में क्या करते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और फिर उसका उल्टा दिखाते हैं। ले लें, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने एज्यूम कर लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो क्या होगा, तो आपका होगा यहां पर ये मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी कैसा होगा, इवन होगा। और मॉड ए माइनस बी इवन है तो ध्यान दो इसमें से माइनस कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये यहां से हमने किया है, यहां से आपका ये स्टेप है, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया इज इवन। और अब देखें इसको ले सकते हैं कितना, बी माइनस ए इज इवन, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मॉड माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड माइनस एक्स और मॉड एक्स की वैल्यू सेम होती है। अरे आपने देखा है मॉड माइनस टू और मॉड टू की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू टू होती है, तो मॉड बी माइनस ए का नेगेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए, एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पर, ये इवन हो गया। और अगर ये इवन हो गया तो ये क्या बताता है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान से देखो, ये हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और ये आ गया, और ये बात किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या हो गया आपका, आर इज सिमेट्रिक, ये तो आसान था बिल्कुल। ऐसे लिखने का तरीका यही है, क्वेश्चन यही घूम फिर के ही आते हैं, कभी टू आ जाता है, कभी थ्री आ जाता है, कभी फोर आ जाता है, कभी फाइव, कभी मल्टीपल, कभी डिविजिबल। अब दिखा रहे हैं आपको ट्रांजिटिव, देखें इसको स्टूडेंट, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं देखता हूँ कि आपके कमेंट्स। सर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, है तो इक्वलेंस हमें दिखाना है। इक्वलेंस दिखाने का मतलब है कि ये तीनों है, केवल दिखाने का स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे दिखाया जाता है। इसको देखिएगा जरा, और डाउट हो तो पूछेगा। स्टूडेंट देखें आप जरा थर्ड पार्ट इसका, स्टूडेंट हमारा टाइम हो रहा है, हम बस इसको पांच मिनट में खत्म कर रहे हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, दो बातें मान लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये एज्यूम करते हैं। दिखाना क्या होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें दिखाना होता है। तो लेट, इस लेट पे ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B, C belongs to R, ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये ऐसा है। अब हमें दिखाना ये होता है कि क्या A, C भी है। A, C belongs to R कब आएगा, जब mod A - C is even आ जाए। पहले ही देखें, ये अगर R को belong करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमने लिख तो दिया, मान तो माना है हमने कि A, B belongs to R, ये कब होगा, ये तब होगा जब mod A - B is even हो, एंड ये तब हमने, ये बिलोंग्स टू आर तब होगा जब मॉड बी माइनस सी इज इवन हो। अगर मॉड ए माइनस बी इवन है तो मॉड ए माइनस बी होगा कैसा, मॉड ए माइनस बी क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, टू का एक मल्टीपल होगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, या फिर जीरो लास्ट में, टू का एक मल्टीपल होगा, टू एम वन। अब आगे देखें जरा, इसी को आगे बढ़ा दें तो कितना आ जाता है, टू एम वन, यहीं से निकल के आ जाता है कि ए माइनस बी, अगर मॉड यहां से हटा रहे हैं तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू टू एम वन है, तो विदाउट मॉड क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस टू एम वन, ये नंबर वन। ये हमने मॉड हटा के क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हमें ऐड करना है, जैसे पहले ऐड किया था, ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ए माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एम आ जाएगा, हो गया प्रूफ। सेम यहां देखें, बी माइनस सी इज इवन, तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड बी माइनस सी इक्वल टू टू एम टू, तो b माइनस सी इज कल टू प्लस माइनस टू एम टू, मॉड हटा दिया, ऐसे लिख दिया आपने, ये नंबर टू, दोनों को ऐड कर जाए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये क्या आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये है टू एम वन प्लस टू एम टू, और दोनों का क्या है आपका प्लस माइनस, यहां पर है b से b कैंसिल, तो कितना हो गया आपका ये प्लस माइनस टू एम वन प्लस एम टू,
और एम वन प्लस एम टू, एम वन क्या आपके, एम वन एम टू क्या है, इंटीजर्स हैं, लिखना होगा यहाँ पर, एम वन एम टू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो आ गया ए माइनस सी इजकल टू, ये आपका आ गया है प्लस माइनस टू एम, और एम का मतलब क्या है, एम वन प्लस एम टू सम इंटीजर, या जो भी दे रखा है इसमें देख लेना, इसमें क्वेश्चन मेरे पास में नहीं है, ये क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसको उसके अंदर ही होगा। अब अगर a माइनस सी प्लस माइनस टू एम बने तो क्या होगा, मॉड a माइनस सी इजकल टू टू एम, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड a माइनस सी इज इवन, और अगर हम ये लेके चले थे और ये निकल के आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये r इज ट्रांजिटिव, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो कैसा है r, इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन है r। ऐसा केवल आपको दिखाना ये होता है, ये दो तीन क्वेश्चन हमारे थे और इसी तरह से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज होती है, लिखना आपको ऐसे होता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तीन चार क्वेश्चंस की, और जो सीट आपको आज मिलेगी आज हम अपलोड कर देंगे, आज हम जरूर इसी चैनल पर और अजय मैथ्स क्लिनिक दोनों पर आपको मिलेगा, उस पर आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा, यहाँ ऑनलाइन में थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, कई बार वीडियो पूरा नहीं मिल पाता है, तो इसको हम बाद में भी शूट करते हैं और उसको एडिट करके आपको इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा इन वीडियो को देखिएगा, साथ में गूगल फॉर्म में आपको इन्हीं से चैप्टर वन की फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको सॉल्व करके भेजिएगा, जो मेल दिया जाएगी उस मेल पर भेजिएगा, और अगली क्लास में हम बाकी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आर डी आर एस के जो भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप जब मेल करेंगे तो कमेंट्स करेंगे तो उसमें आप दे सकते हैं, जब यूट्यूब पर आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल हमारा है KVS आर ओ दिल्ली लाइव का YouTube चैनल भी है, उस पर जाके देखिएगा और वहाँ जाके कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इससे फंक्शंस को थोड़ा पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में हम फंक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अंकित, थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ये हुई ना बात, लाइक, बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी नए आए हैं तो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको बेटर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसा वीडियो आ रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड, कितना नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स, नेहा, सपना, सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, थैंक यू ऑल। अब हमारे इसके बाद क्लास है, आपके अगर और छोटे भाई बहन हैं उनको बताइएगा कि 2 बजे से हमारी क्लास है, टाइप्स ऑफ सेट्स चल रहा है क्लास 11th का, 2 बजे से हमारी क्लास होगी, तो थैंक यू ऑल, बाय बाय।